हाय गाइस, सो आज हम बनाएंगे राजमा। ये मेरे फेवरेट हैं और अगर आपके भी फेवरेट हैं तो ज़रूर ट्राई करिए इस रेसिपी को। मैं अपने राजमा कल रात भिगोने भूल गई थी, तो अगर आप भी भूल गए हैं अपने राजमा भिगोने और इसे आप अभी बनाना चाहते हैं तो ज़रूर देखिए इस रेसिपी को। इससे बहुत टेस्टी और ईजिली आपके राजमा बन जाएंगे। तो सबसे पहले मैंने एक बाउल लिया है, उस बाउल में मैंने गर्म पानी डाल लिया है। ये 2-3 मिनट उबाल लिया था पानी। अब इसके अंदर मैंने आधा कटोरी राजमा डाले हैं और ये बिना भीगे हुए राजमा हैं, बस धो लिए थे। अब आप इसे ढक दीजिए और 1 घंटे के लिए अलग रख दीजिए। 1 घंटे के बाद आप अपने राजमा एक कुकर में डालें, उसमें इतना पानी डालें कि पानी आपके राजमा से 1 इंच ऊपर तक रहे। उसमें थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी हल्दी डालें, फिर ढक्कन लगाकर फुल गैस पर 1 सीटी लीजिए और 15 मिनट फिर सिम पर पकाइए और फिर गैस बंद कर दीजिए और इसे ठंडा होने दीजिए। अब आप देख सकते हैं मेरे राजमा ठंडे हो गए हैं और कितने अच्छे से गल गए हैं। अगर आपके राजमा ना गले हों तो 1 सीटी और लगा लीजिए। अब मैं बनाऊंगी प्यूरी। प्यूरी के लिए 1 प्याज और 3 छोटे टमाटर और 1 मिर्च ली है। अब हम अपनी कढ़ाई रखते हैं। कढ़ाई में मैंने डाला है 1 चम्मच तेल। अब मैंने गैस मीडियम रखी हुई है, इसे मैं मीडियम पर पकाऊंगी। इसमें मैंने डाला 1 छोटा चम्मच जीरा, साथ ही साथ मैं इसमें डाल दूंगी अपने प्याज और हरी मिर्च की प्यूरी। इसमें मैंने थोड़ा सा पानी डाल दिया था ताकि इसका पेस्ट जैसी कंसिस्टेंसी हो जाए। अब इसे मीडियम फ्लेम पर ही पकाएंगे 3 से 4 मिनट के लिए, जब तक कि ये सूख ना जाए, इसका सारा पानी सूख ना जाए। इसमें मैंने 1 बड़ा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट भी डाल लिया है। अब आप देख सकते हैं 3-4 मिनट के बाद ये अच्छे से पक गया है। अब इसमें डाल रही हूँ मैं अपने टमाटर की प्यूरी। इसे आप अच्छे से मिक्स कर दीजिए। इसे भी आपको तब तक पकाना है जब तक इसका पानी सूख ना जाए, आपको तेल दिखने ना लग जाए। अब हम इसमें कुछ मसाले डालेंगे। मसालों में मैंने इसमें डाला है धनिया 1 चम्मच और थोड़ी सी मिर्च। मिर्च आप थोड़े ध्यान से डालें क्योंकि आपने इसमें हरी मिर्च भी डाली है। इसे मैंने पका लिया है 5-6 मिनट। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ अपना राजमा और उसका पानी। पानी वही है जिसमें मैंने राजमा उबाले थे और इस पानी में नमक है, तो आप अपनी ग्रेवी में नमक बहुत ही ध्यान से डालें, पहले टेस्ट कर लें। अब इसे मैं मीडियम फ्लेम पर या सिम पर थोड़ी देर पकने दूंगी, जब तक कि मेरी ग्रेवी थोड़ी सी गाढ़ी ना हो जाए। आप जैसी कंसिस्टेंसी रखना चाहते हैं आप इसे वैसे रखें। इसमें अब हम 1-2 चीज़ें और ऐड करेंगे। इसमें मैंने थोड़ा सा गरम मसाला डाला है और मैं इसमें तेज पत्ता और लौंग डालना भूल गई थी, तो मैं वो इसमें अब डाल रही हूँ। इसे मैं अच्छे से मिक्स कर दूंगी और तब तक पकाऊंगी जब तक कि मेरे राजमा थोड़े से गाढ़े ना हो जाए। मुझे थोड़े से गाढ़ी कंसिस्टेंसी पसंद है। अगर आपको लिक्विड ही पसंद है तो आप इसे लिक्विड ही रहने दीजिए। ये देखिए मेरे राजमा कितने अच्छे से गल गए हैं, कितनी अच्छी ग्रेवी बन गई है। तो इसे मैं अब अपने जीरा राइस के साथ सर्व करूंगी। आप भी ज़रूर ट्राई करिए इसे। प्लीज़ मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक करिए, प्लीज़ कमेंट करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इन्जॉय। बाय बाय।